हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेडिसिन रिव्यूज टिप्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम स्टूडियो में आइबोजेसिक एएसपी टैबलेट के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले। आइबोजेसिक एएसपी टैबलेट का मुख्य तो उपयोग दर्द की समस्या दूर करने में किया जाता है। शिप्ला कंपनी की ये 10 टैबलेट की स्ट्रिप आपको किसी मेडिकल स्टोर पर 65 रुपए में आसानी से मिल जाएंगी। बात करते हैं इसमें मौजूद कंटेंट के बारे में। आइबोजेसिक एएसपी टैबलेट में एसिक्लोफिनेक IP 100 mg, पैरासीटामोल IP 325 mg, सेराटियो पेप्टिडाइज 15 mg यह कंटेंट समाविष्ट है। बात करते इस टैबलेट की यूजेस के बारे में, डॉक्टर इसे किन किन समस्याओं में इस्तेमाल करते। इस टैबलेट का उपयोग बदन दर्द की समस्या दूर करने में, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, जोड़ों का दर्द, मोच, अकड़न, घुटनों में दर्द होने की समस्या दूर करने में, कमर दर्द, बुखार या फिर अन्य किसी भी प्रकार का बदन दर्द या फिर कोई और दर्द होने की समस्या दूर करने के लिए भी डॉक्टर इस टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। इसे रूमेटाइड आर्थराइटिस की समस्या दूर करने के लिए भी डॉक्टर यूज करते हैं। इसे ऑस्टियो आर्थराइटिस की समस्या दूर करने के लिए भी डॉक्टर यूज करते हैं। इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए डॉक्टर इस टैबलेट का इस्तेमाल करते। बात करते इस टैबलेट के डोसेस के बारे में। आप अपनी समस्या बताकर उस टैबलेट का डोज अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से पूछ ले। याद रखें दोस्तों, उस टैबलेट का डोज आपकी समस्या पर निर्धारित रहता है, इसलिए इसे हमेशा अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से पूछ ले। वयस्क व्यक्ति यानी एडल्ट ये टैबलेट दिन में 2 बार, सुबह 1 बार और शाम को 1 बार खाना खाने के बाद ले सकते हैं। साइड इफेक्ट, उस टैबलेट के इस्तेमाल से होने वाले दुष्परिणाम। उस टैबलेट के इस्तेमाल से आपको एसिडिटी, पेट दर्द, दस्त, मितली, उल्टी, कब्ज ये कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं। प्रिकॉशन, इसे यूज करते समय सावधानियां। अगर आपको इस टैबलेट के इस्तेमाल से कोई साइड इफेक्ट होता है या फिर आपको इस टैबलेट में मौजूद कंटेंट से एलर्जी है तो आप इस टैबलेट का यूज न करें। अगर आप पहले से ही कोई अन्य टैबलेट या मेडिसिन ले रहे हो तो उसकी सूचना अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट को अवश्य दे। इस वजह से उस टैबलेट का ड्रग इंट्रैक्शन या ओवरडोज होने की संभावना कम होती है। गर्भवती महिलाएं ये टैबलेट यूज करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य ले। अगर आपको लीवर या फिर किडनी से जुड़ी कोई समस्या हो तो उसकी सूचना अपने डॉक्टर को अवश्य दे। इस टैबलेट के इस्तेमाल के पहले या इस्तेमाल के बाद अल्कोहल का प्रयोग न करें, इससे आपकी स्थिति बिगड़ सकती है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें और मेडिसिन रिव्यूज टिप्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको हमेशा मेडिसिन रिव्यूज मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।